जी दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। ये देखिए, फ्री रिक्वायरमेंट है सऊदी अरबिया के लिए, ठीक है। सऊदी अरबिया में जो दमाम अल खुबरा सऊदी एयरपोर्ट है, वहां पे जो है एयरपोर्ट क्लीनर चाहिए, इंडोर भी आउटडोर भी, और किचन हेल्पर चाहिए। रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। एयरपोर्ट क्लीनर के लिए 400 आदमी चाहिए, किचन हेल्पर के लिए 200 आदमी चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो है मतलब फ्री रिक्वायरमेंट है, और जो है इसमें सैलरी में बता दूंगा आपको 700 बेसिक रहेगा 8 घंटे का, प्लस कंपनी का फ्री खाना है तीनों टाइम, प्लस ओवर टाइम है। इसी तरह किचन हेल्पर में भी 700 सऊदी रियाल जो है सैलरी रहेगा, प्लस फ्री खाना रहेगा तीनों टाइम, प्लस ओटी रहेगा। इसमें जो है सिर्फ ईसीएनआर पासपोर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10 पास जिनका पासपोर्ट है या जो विदेश में रहे जिनका पासपोर्ट ईसीएनआर हो गया है, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। उम्र मैक्सिमम 37 साल चलेगा भैया, 37, 37 साल से अगर आपका 6 महीना साल भर भी ज्यादा है तो इसमें आपका काम नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो वही साथी आएंगे जिनका उम्र 37 साल से कम है और लगभग 21 साल से ऊपर है, और ईसीएनआर पासपोर्ट वाले दोस्तों, ठीक है। मेरा सलाम आदाब नमस्कार कबूल करिए। और जो है देखिए, आप लोगों के लिए जबरदस्त रिक्वायरमेंट लेके आ गया हूं मैं, और फ्री रिक्वायरमेंट है, वही ऑफिस का जो नॉर्मली खर्चा आएगा वही आपको दे के जाना है। तो यही ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अगर आज रात को भी मेरे ऑफिस पे 10 बजे तक कभी आ जाता है तो इसमें हम इसका वीजा अप्लाई करवा देंगे, ठीक है। लास्ट डेट जो है 25 नवंबर तक ही है, कल और परसों 24 और 25 तारीख तक है। जो भी साथी जाना चाहता है ध्यान दे, वही साथी जा सकता है इसमें, जिसका 10 पास का सर्टिफिकेट लगा हो, जिसका पासपोर्ट ईसीएनआर हो, जिसका पासपोर्ट विदेश में भी रिन्यूअल हो जाता है वो भी ईसीएनआर हो जाता है। पासपोर्ट ईसीएनआर रहेगा तुरंत अप्लाई हो जाएगा सऊदी के लिए, ठीक है। मोफा वकाला जो भी है सारा रेडी होके रखा है, आप सिर्फ गमका मेडिकल सऊदी का करा के देंगे और तुरंत आपका वीजा निकल जाएगा मेरे भाई। आपको मैं वीजा भी कहिए तो दिखा दे रहा हूं, बहुत से आदमी काम भी गए हैं। संदीप भाई अभी बात कर रहा हूं आपसे, लगे रहिए शेयर करने में ग्रुपों में। जो साथी हमसे बात करना चाह रहा है शेयर करे दबा के। अगर आप पढ़े लिखे आदमी है तो ग्रुप में भी शेयर करिए, नहीं पढ़े लिखे हैं गवार है उल्टा छाप है तो बस शेयर कर देंगे वही हमारे लिए बहुत हो जाएगा दोस्तों। तो यह फ्री रिक्वायरमेंट है। दूसरा चीज जो है इसमें लगभग लगभग सारी चीजें मैं बता दिया हूं, और एक बार जो है ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए कि यह देखिए दमाम अल खुबरा सऊदी एयरपोर्ट का जो है एयरपोर्ट पे काम करना रहेगा। जैसे आप जाते होंगे या जो लोग विदेश रहे हैं, ठीक है, जो लोग जो है जाते होंगे उनके लिए जो है एयरपोर्ट पे वो देखे होंगे कैसे काम करना होता है, कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 37 साल एज होना चाहिए, इसमें बहुत मांग नहीं है कि इंग्लिश बोलने के लिए आना चाहिए, ऐसा कोई मांग नहीं है। तो जो भी आदमी हो जाएगा लेकिन पढ़ा लिखा ईसीएनआर पासपोर्ट उसका होना चाहिए। यह कंपनी देखिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा देगी 2 साल का, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह कंपनी जो है 2 साल का आपका वीजा लगाएगी, और इसमें 9 महीने का शटडाउन काम है। 9 महीने के बाद कंपनी चाहेगी तो आपको आगे भी रोक सकती है, नहीं तो आपको अपना टिकट मतलब टिकट कंपनी ये बुक करके आपको वापस इंडिया उतार देगी। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये 9 महीने का शटडाउन प्रोजेक्ट है। आप वीजा लेकिन इंप्लॉयमेंट रहेगा 2 साल का रहेगा, ध्यान दीजिएगा। वीजा ऐसा नहीं है 9 महीने का रहेगा, वीजा आपका 2 साल का रहेगा। वहां जाते हैं आप काम करते हैं, कंपनी को लगता है कि नहीं आप बेहतरीन हैं, लोगों से अच्छे हैं, तो आपको 2 साल तक भी कंपनी रोक सकती है मेरे भाई। तो इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और भी जो जानकारी है मैं बता दे रहा हूं, एयरपोर्ट क्लीनिंग इंडोर आउटडोर दोनों करना रहेगा, किचन हेल्पर हो गया, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। डेट अपने पास टाइम कम है, टाइम बहुत ही कम है मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना देखिए पड़ता है, ठीक है। आप जब तक आएंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। और यह देखिए टोटल सीबी पे है, ये कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए आ रही थी लेकिन इसको तत्काल आदमी चाहिए, इसने बोला ठीक है आप सीबी दे दीजिए, मैं जो भी लोग सिलेक्शन होता है मैं उसमें वीजा अप्लाई कर दूंगा। आप सीबी कैसे आप बना के लाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी ऑफिस में जाए कहीं भी काम कराए लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीका को अपने अंदर डाल लीजिए, ठीक है। या आप कहेंगे तो मैं कुछ सीबी आपको दिखा भी दे रहा हूं, लेकिन मेन क्या है मेरे भाई, मेन कमाल आपके सीबी पे है, आपके बायोडाटा पे, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे है, तभी आपका काम होगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। मैं कुछ सीबी जो है
दिखा भी आपको दे रहा हूं किस तरीके से भी बनाए, क्योंकि देखिए कंपनी में आप पहले नहीं जाएंगे, पहले आपका पेपर जाएगा। पहले कौन जाएगा? आपका पेपर जाएगा। वो पेपर पलटेगा, देखेगा उसको कुछ पेपर में दिखेगा हाँ आप जेन्युइन आदमी है, आप काम उसके कंपनी में कर सकते हैं, तब तो लोग आएंगे, नहीं तो भाई उसका रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए बायोडाटा कैसे बनाया जाता है, मेरी बात समझ लीजिए। आपके पास हरदम मोबाइल में पीडीएफ होना चाहिए, एक ही पीडीएफ में सारा फाइल होना चाहिए। किसी के पास भी 10 अलग अलग फाइल भेजेंगे उसके पास टाइम नहीं देखेगा, एक ही फाइल में सारा होना चाहिए। मैं भी दिखा रहा हूं लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें जिसको जाना है वो यह चीज पूरा करके लाएगा। पहला उसका बेहतरीन बायोडाटा होना चाहिए, जिस पोस्ट में जाना चाह रहा है वो साफ लिखा होना चाहिए, नहीं बायोडाटा सब कुछ लिखा है किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वही नहीं लिखा है, जो हम लोग मैक्सिमम गलती कर देते हैं। इसमें देखिए अगर क्लीनर में जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट ओनली क्लीनर लिख दीजिएगा, क्लीनर हेल्पर में किचन हेल्पर में जाना चाहते हैं तो किचन हेल्पर लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों में जिसमें आप जाना चाहते हैं इसमें आप लिख देंगे, ठीक है। ये अपना बायोडाटा में सारा चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर क्लीनर लिखे हैं तो बायोडाटा में क्लिनिक का कहाँ कहाँ काम किए हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है, सारा डिटेल होना चाहिए। किचन हेल्पर का भी सेम वही है, ये नहीं कि डाल दिए हैं जो है क्लीनर में और नीचे लिख दिए हैं कि प्लम्बर 2 साल हम दुबई में भी काम किए, तो आदमी का घर ये झूठ बोल रहा है। बहुत से मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, डाल देंगे हम इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और नीचे वाला लिखा रहेगा सेफ्टी कारपेंटर में इस कंपनी में काम किए, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है फर्जी है और आपका वीजा नहीं आता है। जिसका सीवी बेहतरीन रहता है उसका आ जाता है, फिर आप कहते हैं लो हमारा तो निकल में नहीं किया, सद्दाम भाई खराब काम करते हैं, लो हमारा टाइम भी बर्बाद हो गया। तो जिसका सिलेक्शन होगा कंपनी जिसका सिलेक्शन करेगी उसी का वीजा निकलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। नहीं करेगी हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता मेरा नातेदार है आप निकाल दो, कहेगा ठीक है तुम ही जाओ निकाल लो, समझ रहे हैं दोस्तों। तो मेन कमाल सीवी में है, बायोडाटा सबसे पहले आपका बायोडाटा एकदम क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं सारा उसी से रिलेटेड लिखा होना चाहिए, उसके बाद आगे और पीछे का कलर एकदम कॉपी पासपोर्ट होना चाहिए दूसरे नंबर पे, क्योंकि पासपोर्ट से ही वीजा अप्लाई होगा। तीसरे नंबर पे आपने जितना पढ़ाई लिखाई जो भी किया है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बहुत से साथी हैं 8 पास किए हैं, 10 पास किए हैं, ITI भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन बायोडाटा में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाते, पता नहीं क्यों नहीं लगाते हैं। उसके बाद जो है आपका पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, विदेश रहे हैं तो उसका सारा वीजा कॉपी होना चाहिए, और लास्ट में बढ़िया खूबसूरत आपका खड़ा फुल फोटो होना चाहिए, ताकि बायोडाटा देखे तो आदमी आपको भी देख ले, हाँ आप यह हैं, आप देखने में ऐसे लगते हैं, आपका हाथ पैर देखने में ठीक ठाक है, टेढ़ा ओढ़ा टूटा फूटा नहीं है मेरे भाई। आप खुद सोचिए किसी का बायोडाटा चला गया, आप सोचिए आप विदेश में बैठे हैं और हमने या किसी ने आपके पास आदमी भेजा, आपको तो एक ही आदमी चाहिए, हमने 5 आदमी भेज दिया और लोग के पास सिर्फ हमने बायोडाटा भेज दिया, पासपोर्ट भेज दिया, किसी का सिर्फ पासपोर्ट भेज दीजिए, और एक आदमी हमने आपको भेजा है पूरा बकायदा खूबसूरत सीबी है, सारा डिटेल लिखा है उसका, डेट ऑफ बर्थ कहाँ है, पिताजी क्या नाम है, हाइट क्या है, वेट क्या है, समझ रहे हैं, पढ़ाई कहाँ तक किया है, आज से पहले कहाँ कहाँ काम किया है, उसके बाद पासपोर्ट कॉपी है, उसके बाद सारा पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट है उसका, जहां जहां काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसके बाद फुल फोटो है कि आदमी देखने में ऐसा लगता है। अगर भाई क्लीनिंग में मैं अप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा ड्रेस जो पहनते हैं पहले उनके क्लीनिंग का जो है थोड़ा सा फोटो डाल दिया तो इससे एविडेंस और क्लियर हो जाएगा, हाँ ये आदमी ऑलरेडी क्लीनर का काम कर चुका है। आप किसको सेलेक्ट करेंगे बताइए, बताइए मेरे भाई, लिख के बताइए किसको सेलेक्ट करेंगे। तो मेन कमाल जो है समझ रहे हैं, मेन चीज क्या है, बाकी बहुत से साथी शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है देखिए कल हमने एक वीडियो डाला था दूसरे रिक्वायरमेंट के लिए जो कि सऊदी का पार्सल कंपनी के लिए है और मानेंगे नहीं उसके अमेरिकन रेस्टोरेंट के लिए है। अब मैं आपको बाहर दिखा दूं, इतने लोग आए हैं दोस्त मैं क्या बताऊं, एक शेयर जो है इतनी बड़ी ताकत है। अब देखिए मैं थोड़ा सा नमूना दिखा दे रहा हूं, ये देखिए ये बाहर सारे लोग आपके शेयर के करने की वजह से आए हुए हैं, ठीक है, बाहर पूरी भीड़ है और जो है बस यही जो है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और मुझे उम्मीद है कि अमेरिकन में अमेरिकाना जो रेस्टोरेंट है उसमें भी और
जो है पार्सल डिलीवरी ड्राइवर है सऊदी लाइसेंस में भी बहुत ज्यादा लोग वीजा निकलेगा, जो लोग आ जाए उनका आज ही हमने अप्लाई करवा दिया, तुरंत डॉक्यूमेंट भिजवा दिया है दोस्तों। तो ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है और यही सपोर्ट चाहिए। और जो है अपने जो सर कंपनी किस कंपनी का इंटरव्यू, सारा चीज हमने डाल दिया है भैया, सैलरी कितनी है सारा चीज हमने देखे बता दिया है। आपका बेसिक जो है 8 घंटे का, मैं इंडिया में भी कैलकुलेट जो है करके बता दे रहा हूं, 8 घंटे का, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, 8 घंटे का, सिर्फ 8 घंटे का सैलरी 15,231 रुपये है इंडिया का। खाना रहना मेडिकल सब कंपनी का फ्री है। 8 घंटे बाद जो काम भी करते हैं ये ओवर टाइम भी आपको मिलेगा, प्लस जो एयरपोर्ट पे रहते हैं उनको टिप वगैरह भी मिल जाता है इसके, लेकिन कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना, कोई गारंटी नहीं है मैं बोल रहा हूँ। तो आदमी जाते हैं जो अरबाब हो जो भी आते हैं देखते हैं, जो भी उनको समझ में आता है टिप दे देते हैं, नहीं भी देते हैं तो ये है ठीक है। और चूंकि सर्विस चार्ज ना के बराबर है, तो आप ना के बराबर इतने कम पैसे में जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। आप जाके आराम से जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक्सपीरियंस मेन चीज है, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो इसमें चूकिए मत, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा मेरे भाई। कोई साथी है जो वीडियो कॉलिंग बात करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें ताकि हम बात कर सकें। कोई साथी है, देखो कौन साथी है। संदीप मौर्य भाई कहाँ चले गए आप, आपको ढूंढना हुआ मिल नहीं रहे हैं। हर एक वीडियो हमारा बहुत ही ज्यादा उन्होंने शेयर किया है। और संदीप भाई आपका वीजा भी आ गया है, आप लेट मत करिएगा। आप स्टील फिक्सर का राजभर साहब मैंने कल डाला तो है, कई रिक्वेंट कल का वीडियो देखिए, जमाल अंसारी साहब ने शेयर किया है, मैं आपको कॉल कर रहा हूं। चंदन रजा भाई सऊदी का लाइसेंस है तो तुरंत आ जाइए, कल कल का रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी डाला है बहुत ही जबरदस्त, अब इसमें थोड़ा भी लेट ना करें, थोड़ा भी लेट किए तो समझ लीजिए काम आपका चौपट हो जाएगा। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया कैसे हैं जनाब, रेस्ट कर रहे हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। लग रहा है देखने से मतलब किसी अरे कारीगर में है क्या, सिलाई वगैरह फैक्ट्री जहाँ होती है, आपके पास बहुत टाइम से फोन लगा रहा हूँ। बताइए ना जनाब क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे शेयर किया, इसके लिए दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ, अरे अल्लाह से बहुत शुक्रिया करूंगा कि जिंदगी भर आप खुशहाल रहे, आपकी हमेशा परेशानी वीडियो हमेशा जी जी आपकी वीडियो देखता हूँ, हमेशा शेयर करता हूँ। जी जी बताना सर। तो मैं अभी बहरीन जाने वाला था, एक ने वो चीटिंग कर दिया मेरे साथ, क्या हो गया बताइए ना। वो वीजा भेजा, वो बाद में टिकट भी करवा दिया, बोला तुम्हारा इतनी तारीख का फ्लाइट है, बाद में फिर मोबाइल वोबाइल सब बंद कर लिया। वो तो वीजा चेक नहीं करवाए आप? वीजा चेक करवाया था तो बोला पैसा पूरा पेड कर दो आप, तो इसके लिए जो आईडी नहीं होता है ना। नहीं नहीं आप देखिए मेन चीज है, देखिए जो भी लोगों के साथ फर्जीवाड़ा होता है ना भैया, सच्चाई ये कि उनके पास जानकारी नहीं रहता है, समझ रहे हैं, जब जानकारी नहीं रहता है तो आदमी जो है ठगा जाता है। हमारे हमको ही किसी की जानकारी नहीं है, हम क्या उसमें दिमाग लगाएंगे, हम तो विश्वास ही करेंगे ना जो अगला कह रहा है। वो जो आईडी होता है विजय के ऊपर, वो बोला इसको मैं बंद कर दिया हूँ, अभी आप जब पूरा पेमेंट कर दोगे तो मैं दूसरा भेज दूंगा तो वो ओरिजिनल रहेगा। होता ही नहीं है, देखिए बहरीन में जाने के लिए सबसे पहले आपको गमका का मेडिकल करवाना होता है, गमका मेडिकल लखनऊ दिल्ली जो भी जगह होता है, वो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कौन से मेडिकल में आपको जाना है, मेडिकल करा के देंगे उसके बाद 20 दिन के बाद वीजा निकलता है, जान लीजिए। कितना तो अभी मैं 43 फेल का हो गया हूँ। पैसा कितना हाँ, पैसा चला गया, 70,000। 70,000 चला गया? टिकट उकट सब करवा दिया था।
70,000 चला गया, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और कहाँ खाता में दिए, खाता कैसे दिए हैं आप? में दिए अकाउंट में। अब जाके तो एप्लीकेशन वगैरह दीजिए किस खाते में फर्जी तरीके से हमको पैसा मंगवा लिया गया है। अच्छा, वो बहरीन में आदमी रहता है। अब मालूम नहीं कहाँ रहता है आदमी, अब हम ही है, बोल दिए हम विदेश हैं, आपको कैसे मालूम हाँ, चलेगा? नंबर है उसका, बहरीन में जॉब करता है, होटल में जॉब करता है। मेरी बात को, जो गलती फर्जीवाड़ा जिनको करना रहता है वो चारों तरफ से एकदम जो है जाल बिछाए रहते हैं, हाँ, सही। उसको फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसको उसको आपको ठगना है। उसको जो चोरी करने जाता है वो हर एक तैयारी एकदम बना के जाता है, कोई हॉर्न बजाएगा तो सबसे पहले छुप जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। अभी मैं 44 साल का हूँ। अगर कोई है आप रहता आपके पास हेल्पर वेल करने। 44 साल तो हजरत, ये भी बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। चलो, लेडीज चप्पल का अच्छा काम, लेडीज चप्पल का काम करता हूँ या मुंबई में। नहीं दोस्त, लेकिन आपके साथ बहुत ही गलत हो गया, मैं रियली बता रहा हूँ। आप 70,000 देने में थोड़ा भी हिचकिचाएंगे नहीं। और जो सच्चाई से काम करता है, ये कहता है भाई हमारे स्टाफ है, सारे खर्चे हैं, सब कुछ है, 500 रुपया तो हम गारंटी लेते हैं, तुम्हारा वीजा असली है, हमने बोल दिया असली है, पैसा दो, डूबेगा तो हम तुम्हारा पैसा वापिस करेंगे। बोल दिया मैंने कि वीजा फर्जी है, अगर असली तुम साबित कर देते हो तो भी हम पैसा पूरा देंगे, जान लीजिए। लेकिन आदमी 500 रुपया देने में इतना सोचता है, इतना डरता है, हम क्या बताएं। ये नंबर जो है हमारे फेसबुक पेज पे पूरा का पूरा एकदम क्लियर है, लिखा हुआ है एक एक चीज। ये नंबर आप देखेंगे, मैं आपको फेसबुक के नंबर लिख लीजिए, लेकिन यह सिर्फ वीजा चेक करने का है। आपका किसी भी ऑफिस से आप काम करा रहे हैं, वीजा हुआ, ऑफर लेटर हुआ, वांट हुआ, कंपनी हुआ, आप चेक करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर 7880600047 इस नंबर पे हमारे ऑफिस पे आप फोन करके अपना सारा चीजें व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हैं आपका वीजा या ऑफर लेटर या जो भी टिकट है असली है या नकली है। लेकिन मेरे भाई फ्री में नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मैं भी स्टाफ को तनख्वाह देता हूँ यार। आप जिस कंपनी का वीजा भेजेंगे वो इंटरनेशनल कॉल करेगा, फोन करेगा, बात करेगा। आपको 1 महीना का मैं बिल टेलीफोन का दिखा दूं तो आप सर पैसे हाथ रख देंगे, कैसे इतना पैसा देते हैं आप भैया। तो स्टाफ की सैलरी है तो फ्री नहीं करेगा, मात्र एक नेक काम मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये काम सिर्फ नेक के वजह से कर रहा है कि ये 500 रुपये को जैसे किसी का 60,000, किसी का 70,000, किसी के 1 लाख रुपया बच जाएगा, वो भी गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। जिसको हमारी टीम ने, हमने फर्जी वीजा बता दिया, आप उसको सही दिखा दीजिए, जो भी पैसा है हम देंगे। या जिसको हमने सही बता दिया उसको कोई फर्जी बता दे उसका भी पैसा हम देंगे, जान लीजिए। 500 रुपये हम देखा जाए तो आपका 50,000, 60,000 रुपया सीधा सीधा 1-1 लाख रुपया बच रहा। यही भाई साहब जो लाइफ जुड़े थे, 500 अगर दे के चेक करवा लिए होते साथ उनका 70,000 रुपये बढ़ जाता, समझ रहे? लेकिन क्या किया जाए, अब मेन चीज है नॉलेज मेरे दोस्त, नॉलेज नहीं रहेगा तो इसी तरह हो गया। ठीक है, इससे क्या अहमद भाई हैं, बात करना चाहते हैं, मैं लगाया हूं। एनडी अबू साद भाई हैं, आप भी बात करना चाहते हैं, मैं लगा रहा हूँ, सारे लोग कॉल कर रहा हूँ। जी भैया सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए हजरत। मैं इस टाइम सऊदी में हूँ, ताज में मैं आना चाहता हूँ, मतलब टर्क वीजे में जाना चाहता हूँ, तो हो जाएगा? अभी सऊदी में कहाँ पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस कंपनी में? ठीक है, मैं घर खाते में काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ सैलरी बहुत कम मिल रही है, 1500 रुपया सैलरी मिल रही है। इंडिया कितना हुआ? इंडिया 30,000 हो गया। मैं बड़ी गाड़ी चलाना चाहता हूँ, बड़ी गाड़ी का मुझे तजर्बा भी है, हुनर भी है, डंपर कितने वगैरह। वो काम करते हुए? मैं 3.5 साल हो गया, अभी घर नहीं गया हूँ। तो ठीक है, फिनिश फिनिश, लेकिन फिनिश पेपर पे आइएगा, क्रूज पेपर लेके आइएगा। अगर आपके पास अच्छा सऊदी लाइसेंस है, सब कुछ है, क्रूज पेपर नहीं है तो बहुत दिक्कत है, जान लीजिए, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, इस चीज को ध्यान अच्छा दीजिएगा। वहां पे क्रूज पेपर निकलता है ना पासपोर्ट देके, यही आप चीज जैसे करना कंपनी, पड़ेगा। अगर कंपनी में आप छुट्टी आ गए नहीं गए तो 3 साल तक आप सऊदी नहीं जा सकते हैं, बैन लग जाता है, मालूम है नहीं? हाँ समझ अगर में आ मैं गया। झूठ बोल रहा हूँ तो बोलिए नहीं भैया आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, सही है सही है सही है, उसका खुरिश पेपर जरूर चाहिए और खुरिश लगा रहे। पास लाइसेंस भी है सऊदी का, सब कुछ है, आए थे छुट्टियां गए नहीं, बार बार आते हैं, भैया हमारा भी लगा दीजिए, वीजा अप्लाई भी होता है रिजेक्ट हो जाता है, समझ रहे हैं? अभी नहीं, प्रेजेंट आप टाइम दोस्तों
सऊदी का इतना ज्यादा वीजा जो अभी वांट बताया हूँ सब कुछ बताया, देख रहे हैं सारे लोग का जो है वीजा स्टैंपिंग होके आ गया, देख रहे हैं ये देखिए वीजा स्टैंपिंग होके आया। इसमें मतलब हर एक चीज क्लियर क्लियर, मतलब मैं क्या बताऊंगा आपको, जान लीजिए इतना क्लियर और इतना साफ सुथरा मैं काम करता हूँ कि कोई माई कलारी से इस काम नहीं करता होगा, जान लीजिए एक एक चीज सामने दिखाता हूँ। देखिए वीजा है, ये वीजा लगा है, ये सारी चीजें हैं, हर एक चीज क्लियर मैं करता हूँ, जान लीजिए समझ रहे हैं, हर एक चीज में क्लियर करता हूँ। ये देखिए डेट भी देख सकते हैं ऊपर, डेट इसी महीने में 18 तारीख को देखिए इनका वीजा लग गया है, इसी महीने, ऐसा नहीं पुराना मैं दिखा रहा हूँ, बहुत साल 2 साल, इसी महीने में पुराना लगा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ जो इस वीजे को फर्जी साबित कर देगा ना, 1 लाख रुपए आए हमसे इनाम लेके जाए तुरंत कैश, ठीक है, चेक लेता है तो हमसे 10 लाख रुपए लेके जाए, 10 लाख का चेक काट के दे दूंगा जो माँ का लाल इस वीजे को फर्जी साबित कर दे। ये देखिए आपके सामने, समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से काम होता है। तो जो भी भाई हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं वो बिना सोचे समझे विश्वास करके आए। अगर मैं ये नहीं बोलता हूं जो आएगा मैं सबका वीजा दे दूंगा, कभी नहीं, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलूंगा मेरे भाई, क्योंकि मुझे भी मरना है और जो मैं करूंगा मुझे ऊपर हिसाब देना, मैं ये जानता हूँ। सबसे पहले मैं जो भी काम करूंगा उसको दुनिया में हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद आखिरत में भी देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि आपने झूठ बोला क्या, ठीक है। हम वीजा निकालते भी नहीं है, जो भी पेपर है हम कंपनियों में भेज देते हैं, कंपनी जिसको सेलेक्ट करती है उसका वीजा आ जाता है, इतना मान के चलिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बायोडाटा या जो भी चीजें कैसे बेहतरीन से बेहतरीन अपना जो भी है तैयार करके लाते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी दुनिया का ऑफिस ले लीजिए, कोई ऑफिस वाला वीजा नहीं निकालता, अगर वो बोलता है हम वीजा निकालते हैं तो झूठ बोल रहा है, क्यों, क्योंकि कंपनी का जो ऑनर है वो वीजा निकालता है, जो सऊदी में ओमान में जो जगह बैठा है। हम लोग क्या है, एक सब सच्चाई है यार, कोई भी ऑफिस वाला है जो बिचौलिया काम करता है, आप कैंडिडेट है वो कंपनी उसको आदमी चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट उधर भेज दिया, कंपनी ने देख लिया सब कुछ अच्छा, जिसको उसको अच्छा लगा उसका अप्लाई करके वीजा निकाल दिया। आरिफ अंसारी भाई बहुत लंबा कमेंट लिखे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी मेरे ऑफिस में स्टाफ की अभी भी जरूरत है, मिल नहीं रहे हैं। पहला हमारा न्यू चैनल है परफेक्ट ग्रुप गोरखपुर, यूट्यूब पे आप डालेंगे, सॉरी यूट्यूब पे आप डालेंगे परफेक्ट न्यूज गोरखपुर, मेरा पूरा न्यूज चैनल का वीडियो आ जाएगा, जो मिलियनों लोग, मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तीन 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 मिलियन लोग मतलब 30-30, 40-40 लाख लोग मेरा न्यूज देखे, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, यूट्यूब ने सिल्वर बटन दिया है मुझे, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें सिल्वर बटन देखिए रखा था, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, नहीं सिल्वर बटन ऑफिस में नहीं घर पे, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो एडिटर जबरदस्त चाहिए, जो वीडियो एडिटिंग कर ले, न्यूज शूट कर ले, मैं पूरा उसको कोशिश करूंगा ट्रेनिंग जहां तक हो देने के लिए, सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक सारा चीजें जो है हैंडल कर ले, ताकि एक भाई ने मुझे कहीं से कांटेक्ट किया मेरे ऑफिस में, अक्सर कोई मेरा प्रॉपर्टी जो है हड़प रहा है, कोई मेरे साथ गलत काम कर रहा है, सरकार भी मेरी सुन नहीं रही है, तो अपने न्यूज के माध्यम से आपकी बातें मैं उठा सकूं। मेरे भाई आप देखेंगे हमारे न्यूज चैनल पे जाके परफेक्ट न्यूज गोरखपुर पे, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी हम लोग आवाज बन के उभरे हैं और शासन प्रशासन तक जिम्मेदार अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाए और उनके साथ इंसाफ किए हैं। ये जरूरी नहीं है जो गोरखपुर के लोग हैं उन्हीं के लिए, बिहार ले लीजिए, आपका चंदौली ले लीजिए, बहुत दूर दूर जाके। तो स्टाफ मुझे बहुत ही जरूरी है, देखिए बहुत भाई साहब कमेंट करते हैं कि हाँ भैया हमारे पास आदमी है आपके ऑफिस में काम करना चाहते हैं, या बहुत से दोस्त हैं जो लिखते हैं कि मैं भी आपके साथ जुड़ के आपके ऑफिस में काम करना चाहता हूं। तो लिखने से नहीं काम चलेगा, आपको आके इंटरव्यू देना होगा, या आप देखिए अगर मुझे मजबूत वीडियो एडिटर मिल जाता है जो दिल से काम करने वाला ना, तो समझ लीजिए आपका भाई है, आपका भाई अगर पावरफुल हो जाता है जो चाहता है वो मीडियम निकाल सकता है, तो कल को आपको भी कोई दिक्कत होगा आप कॉन्टेक्ट करेंगे, हरदम आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, एक बेहतरीन वीडियो एडिटर जो फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो डालना, थंबनेल बनाना, टैग डालना, ठीक है। वीडियो देखिए बड़े बड़े कैमरे देखिए न्यूज चैनल के हमारे रखे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम क्या बताएं, स्टाफ देखिए देख रहे हैं, ये परफेक्ट न्यूज का है, देखिए ये पूरा कैमरा है, स्टैंड है, इधर एक एक चीज रखा है, ठीक है। बहुत से लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं, भाई साहब न्यूज शूट करना है, हमारा खेत कोई हड़प लिया है, तो फलाना आदमी इतना घूस ले लिया है, दे भी दिए, काम नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा, लेकिन हम देखिए मजबूरन में क्या मैं बताऊं, काम ही नहीं कर रहा, अकेले चना बाहर नहीं पोड़ पाता, हमें जो है मुंह भी बोलता हूँ अकेले चना
बाहर नहीं फोड़ पाता है, और एक आदमी चाहिए जो विदेश की ये मार्केटिंग का काम करे मेरे भाई। हम उसको ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप दे देंगे, ऑफिस दे देंगे, बोलेंगे विदेश में जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं तुम डायरेक्ट कॉल करके हमारे कंपनी के बारे में बताओ कि जो भी है ये हमारी कंपनी है, ये लाइसेंस नंबर है, और ये सारी चीजें के बारे में बताओ, जो भी आपको आदमी चाहिए एक नंबर का हम आदमी दे देंगे जो भी चाहिए, उनसे बात करके बताओ तुम। हम जाके विदेश में उनसे मीटिंग करके भी आते हैं, ऐसा नहीं फोन पे बोल दिया ठीक है आदमी भेजो हम वीजा दे देंगे, हम भेज देंगे आदमी, हम खुद जाके देखेंगे चेक करेंगे ओके फिर उसके बाद काम किया जाएगा। तो जो भी साथी हैं जो इस तरह से काम करना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन देखिए एक वीडियो एडिटर वाला बता दिया, दूसरा मार्केटिंग के लिए पहला चीज कंप्यूटर में एकदम फॉरवर्ड होना चाहिए। उसी से मैं बोलूंगा ठीक है सऊदी का दुबई का तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी का डिटेल निकालो, निकालो और मेल भेजो, पूरा निकाल के मेल भेजने आना चाहिए। बहुत से साथी हैं, एक दो लोग तीन लोग ऐसा नहीं है, बहुत लोग आते हैं, लाइव डालूंगा आते हैं। अब मैं बोल दिया कि उसको मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मैं बोल दूंगा दुबई का कंस्ट्रक्शन कंपनी का डिटेल निकालो, निकालना चाहिए, बैठाऊंगा बोलूंगा ठीक है यार कतर का निकालो, तो समीर पूछता सर कैसे निकाले। अब सोच लीजिए उस आदमी से काम करवाने कैसे होगा, उसके साथ मैं भी बैठे रहूं बट बोलूं ये बटन दबाओ ये करो वो करो ऐसे करो तो करता रहे, उससे हम ही नहीं कर पा लेंगे। ये सारी चीजें हैं, और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? हमारे यादव जी हैं, राकेश भाई लगा रहा हूँ लेकिन नहीं कनेक्ट हो पा रहा। अजय भाई मैं लगा रहा हूँ, अजय अजय जी ने भी वीडियो को शेयर किया है, मैं लगा रहा हूँ। अजय भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है, कहाँ है, कहाँ से बात हो रहा है, कहाँ है? गांव में सर। गांव में? हाँ। अच्छा, कि घर पे है? घर, हमारा 2 महीना हो गया आपके पास, मतलब पासपोर्ट वहीं पे दिए, अभी तक कॉल नहीं आया, कोई भी इंतजार कर रहे थे। क्या ट्रेड, ट्रेड क्या है आपका? ए, पेंटिंग का, पेंटिंग का, बिल्डर का। देखिए भैया हमारे पास अभी तक रिक्वायरमेंट ही नहीं आया है, और हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं कि बिल्डर को लेबर में बिना मंगवा दे दीजिए। लेबर का कोई भी हो चलेगा, तो हेल्पर में आओ चले जाओ ना, पासपोर्ट तुम्हारे, हेल्पर कहाँ जाओ चले जाओ तुम, क्या नाम, रुको आना नहीं पड़ेगा तुमको, एक मिनट तुम आ जाओ। पासपोर्ट नंबर तुमको मालूम है? अपना नाम बताओ, नाम बताओ अजय, अजय अजय के बाद क्या लिखा है? खाली अजय लिखा सर। अजय 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 अजय, ट्रेड क्या डलवाए थे? अजय नाम से तो बहुत ज्यादा लोग हैं यार। मोबाइल नंबर डालिए। हाँ मोबाइल नंबर बताओ, तो अपना मोबाइल नंबर बताओ। 9892 8892 9, फिर से बोलो तो 9, 2, बैक मत, नंबर एक मिनट, नंबर फिर से बताओ। 9, 8 आवाज ही है तो कट जाता, तू अब एक मिनट अपन नंबर बताओ, रुका 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 यार। 9, 8 अजय रहता, आप नंबर मत बताओ, ट्रेड यहाँ क्या डलवाए थे? ट्रेड क्या डलवाए थे अजय भाई? पहले स्प्रे पेंटिंग का डलवाए थे, उसके बाद हेल्पर का, उसके बाद डलवाए थे 26 तारीख को। खाली अजय लिखा है? हाँ खाली अजय। डेट ऑफ बर्थ क्या तुम्हारा? 1997। ना ना पूरा बतावा ये, मतलब तू कहा अजय भाई बेइज्जती करा, बताओ। 1997 जानती ऐसे, मोबाइल नंबर वो डाले पे ऊ जाए सर। अच्छा मोबाइल नंबर बताओ, मोबाइल नंबर, लेकिन सबके तो मोबाइल नंबर जान जाए ना, लाइक हुआ में बोलो। 9892 00 00 आ गए लाजे तुम्हारा वे है, 11 साल 25 साल के हो गई है, दो ठे नंबर टोले बाटे, एक नंबर में लास्ट में 428 बा, एक 352 बा, ठीक बा। हाँ, हाँ, देखा तो 8 तारीख के, सुना हमारे बात सुने, देखा झूठ बोला था, तो झूठ पकड़ा गया,
तू हमारे अभी से फोन कर रहा है एक दाई 8-11 तारीख के, और एक दाई दूसर का नहीं कर रहा है यही महीना में, कई सारी कलिया नहीं परसों फोन कर रहा है, कद हम झूठ बोलते हैं। हाँ नहीं सही है, फोन कैले रहनी। अब बताओ भाई पूरा डिटेल तुम्हारे देखा नहीं करेगा, रुका देखा थे। हाँ बहुत बार आए ये कर मिला भाई है देखा इस बार तुमसे। निकल गया, डाटा है लगोले बाटे स्प्रे, लगोले बाटे हेल्पर में, लिखोले बाटे स्प्रे पेंटर, अगला कैसी बीजा निकाली। हाई देखा है तुम्हारा पासपोर्ट है गोरखपुर के रहे वाला हवा, तुम्हारे गांव के नाम जोन बा जंगल डुमरी नंबर हाँ एक हाँ सही, टोला भंद्रा पोष गुलारी है तू अब। हाँ देखा गुलारिया है, इसका हाँ सही है एकदम सही है। ठीक चला आपने बात देखो तो हम बीजा मंगवा देते हैं, कितना दिन में चल है, जाइबो। चाहिए ए विकास सुनो, हाँ चाहिए कितना दिन में चल जाइबो। तुम्हारे ऊपर बा, हम तुरंत चल दें। अरे अभी डॉक्यूमेंट भेजाओ इसे तुरंत, ये जो भेजा है उसको तुरंत बात करो, हेल्पर का बना है ना इसी यार पासपोर्ट है, जहां भी जल्दी वीजा निकलता है इसको बता कि जिसमें राज्य होता है इसका वीजा निकलाओ तुरंत बात। एक एसकेडी का था, उसका नंबर ही नहीं मिल पाया। किसका एसकेडी एसकेडी का वीजा निकल गया, क्या हो गया है? तो मेडिकल करा लिया है तो उसका नंबर तो होगा नहीं मेरे भाई, तुम्हारी फॉल्ट है ना। चलो ठीक है, उसके लिए बाद में बताना, बाद में लाइव बनाएंगे। दो तो और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? और कोई साथी है जो बात करना चाहता है बताए, एकदम खलियर बैठे हैं बात करने के लिए, कोई है? पठान भैया, नसीम पठान भैया हैं, बहुत बार शेयर किए हैं। बाप रे दिल्ली, आप तो हमारा जीत लिए पठान साहब। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं हाँ सलाम, क्या हाल चाल, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भाई ओमान में हूँ भाई, ओमान में कौन सी जगह है? मैं ओमान में हूँ, अलजीबा में कौन से कंपनी में है आप? कंपनी में नहीं भाई, हम आके इधर फंस गए हैं। आज हमको 5 महीना हो गया, 20 तारीख को ही, जैसे क्यों फंस गए, क्या हो गया? क्या कि विजिट वीजा पे हमको एजेंट भेज दिया था मुंबई से। बताएं मेरे भाई, क्यों आप विजिट वीजा जाते हैं? हम तो हर एक लाइव में बताते हैं कि यार विजिट वीजा में कोई मतलब नहीं है। अस्सलाम भाई हम दोनों लोग, वालेकुम भाई। हम दोनों लोग साथ में ही हैं और साथ में भी आए थे, हम हाँ दोनों बॉम्बे से लोग गए थे पचास ऑफिस लोग वाला, का क्या तो 5 महीना हो गया, कैसे आप लोग खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? विजिट का मतलब ही होता है हम घूमने गए हो इसमें। जैसे हम लोग को भाई बताया कि जाइए 1 हफ्ता के अंदर टिकट वो लग जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, और इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया। 3 महीने तक काम किए, वीजा भी नहीं लगाया, सैलरी भी भाई एक ऐसे महीने की क्या दिया। आते टाइम में। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम, बोलिए बोलिए मैं बोलिए। मोबाइल में आपका मोबाइल मोबाइल में बंद करिए तभी आप उनके से बात कर पाएंगे, बोलिए। कह रहे हैं कि हम लोग को एजेंट जो था वो बहुत बुरा तरीके से फंसा दिया, पता है, शाहपुर जी पालन जी का वीजा निकाल करके और एयरपोर्ट पर वीजा पकड़ा दिया और विजिट वीजा पकड़ा दिया कि यहाँ पर जाओ और दो दो से 1 हफ्ता के दिन अंदर में आपका इम्प्लॉयमेंट वीजा हो जाएगा, वहां पर काम करने लगोगे। यहाँ आए तो एक रूम में 15-20 आदमी और किसी रूम में 30-30 आदमी ठूस करके सोया हुआ था, भेड़ बकरे की तरह सोया हुआ था, उसी में 1 हफ्ता सुलाया। उसके बाद में कहीं ले जाकर के सप्लाई में डाल दिया, 5 महीना से कमा रहा है, 1 रुपया नहीं दिया, और ऊपर से घर से पैसा मंगा करके बोल रहा है कि चलो तुम लोग वीजा भी नहीं लगाया, और वीजा लगाएगा तो घर से 50,000-1 लाख रुपया मंगाओ तो घर भेजेंगे या वीजा लगाएंगे, यही मुश्किल में फंसे हुए भाई, आप बहुत एक मुश्किल वीजा देखिए, अभी 1200 लोग देख रहे हैं आपके साथ साथ, विजिट वीजा पर आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं।
वहां पे पुलिस है, कानून है, किसी पास जाएंगे वो आप ही को पकड़ेगा, तुम विजिट पे काम क्यों कर रहे हो, क्या जवाब देंगे आप? यही तो मुश्किल में फंस गया भाई। वीजा पे क्यों गए जब साफ साफ लिखा है वीजा पे अनपढ़ आदमी भी पढ़ सकता है, ये विजिट वीजा है। विजिट का मतलब ये होता है टूरिस्ट पे गए, घूमने के लिए गए, आप काम क्यों कर रहे हैं? पासपोर्ट कहाँ है आपका? हमारे साथ किया है ना सर जी, पासपोर्ट है कंपनी के पास ही है पासपोर्ट अभी। तो यार क्या मतलब है, 5 महीने से बिना काम के, बिना पैसे के आप काम कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। टिकट मंगाइए, पासपोर्ट लेके आ जाइए घर पे। फाइन है ना सर, फाइन क्लियर करना, 1,00,000 रुपया फाइन हो गई है ना विजिट वीजा पे। कह रहा फाइन हो गया है, पैसे दो तो फाइन क्लियर करके भेजूंगा। रोज कह रहा आज भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, रोज डेली। आपकी मदद कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है जुमान अभी गया है, ठीक है, वो आपसे बात करके जो भी है आपका क्लियर करवाता, अपना नंबर बताइए। लेकिन देखिएगा फेसबुक पे बहुत लोगों का नंबर पॉपुलर हो जाएगा, कल को कोई फोन करके पैसा मांगता है आप दे देते, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम नंबर बता रहे हैं, बहुत से लोगों पे जा रहा है। बोलिए नंबर 9670। ये उमान का ही है ना? उमान का नहीं, उमान का 78। नहीं नहीं कहीं का भी बताइए, व्हाट्सएप नंबर चालू रहे ताकि कॉन्टेक्ट आपसे हो सके। तो लिख लिया 9796। इंडिया का नंबर है? हाँ इंडिया का नंबर है। 9670 9898 9861 27 नहीं 61 है सर, 6168। एक मिनट, 9670 9898 के बाद क्या है? 98 के बाद 6168 67 उसके बाद? नहीं सर 98 है उसके बाद 61 और 68 है। 61 उसके बाद 68 68। आपका नंबर है 9670986168, ठीक है जी सर। जी ठीक है, हम तो जो भी हो पाता है। लेकिन यार आप क्यों एजेंट के किसी ऑफिस के थ्रू नहीं गए आप? ऑफिस से आए थे सर, उमर इंटरप्राइजेज ऑफिस है मुंबई में सर, उससे आए हम। क्या क्या नाम बताया आपने? उमर इंटरप्राइजेज। उमर नाम भदोही का है, बता रहा था भदोही का है। तो रजिस्टर नहीं होगा ना यार, उमर UMAR। हाँ यू से रजिस्टर नहीं। कैसा है सर, जाने आप? क्या सर कैसे जाने आप उसको? मैं उसको हमारे भाई थे वो बताए कि मतलब वहां से चले जाओ, मैं उधर तुरंत इंटरव्यू मैं दिया। उसके बाद मेडिकल 12 फरवरी को मेरा मेडिकल हुआ था, 5 मई को, अरे 12 मई में हमारा एक्सपायर भी हो गया था, 25 23 26 मई को हमारा वो वीजा दिया था, टिकट दिया था, फ्लाइट पे एयरपोर्ट से वापस कर दिया, बोल दिया इमिग्रेशन नहीं हुआ अभी तक। फिर उसके बाद 10 जून को किया टिकट हमारा, फिर 10 जून को भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद 19 तारीख को हमको विजिट वीजा दिया। शुरू से ही आप उसके ऊपर एकदम विश्वास करके बैठ गए। जब पहली बार देखिए, आपका घर कहाँ पड़ेगा? हमारा संत कबीर नगर खलीलाबाद में है सर। बताइए, मैं रियली बताऊं, अगर यही आपके गोरखपुर में रहता, लखनऊ में रहता, समझ रहे हैं नहीं, घर से 200 300 500 किलोमीटर के अंदर भी रहता तभी आपके घर के लोग उसके रोज जाके ऑफिस में बैठ जाते। हमारे लड़के को 5 मिनट तनख्वाह नहीं मिल रहा, क्या कर रहे हैं आप? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सही है। आप बोलेंगे भी आप क्या करेंगे? ऑफिस पे बार बार फोन करेंगे, आपका नंबर वो ब्लॉक कर देगा, नहीं बात करेगा। या तो आप जो है अपने किसी घर के गार्जियन को आप भेजिए बॉम्बे, वो जाके उसके ऑफिस में बाहर बैठे, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो बोलता है कि जाओ दूसरी जगह काम लगवा रहा हूँ। बताइए आप, 5 महीने से हम लोग दूसरी जगह काम कर रहे हैं, पैसा ही नहीं दे रहा, फिर जाए दूसरी जगह काम करें? मैं बोला काम नहीं करेगा, मैं घर जाएगा सीधे। तो आप लोग काम नहीं कर रहे, रूम पे बैठ गए। लेकिन आपकी गलती है ना मेरे भाई, गलती आपने किया है तो सजा तो आप ही को मिलेगी ना। आप विजिट वीजा गए क्यों? यही जो है, यही आपका एम्प्लॉयमेंट भी जा रहा था। मैं बोलता, मैं आपको नंबर देता मिनिस्ट्री के, इस नंबर पर बात करिए, तुरंत अधिकारी आएंगे आपकी मदद करेंगे। लेकिन विजिट पे तो कोई नहीं सुनेगा, विजिट में तो चोर आप ही साबित कर देंगे, तुम तो घूमने के लिए आए थे। क्या गया रोज कहता है ऐसे बोलता है कंपनी वाला जो है, वो बोलता है कल चले जाओगे परसों चले जाओगे, रोज डेली। 16 तारीख को हम लोग को टिकट दिया था, वो भी कैंसिल कर दिया उसी 16 को।
ये तो घुमा रहा है ना, इसका मतलब वो आपके साथ गलत कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ यार, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्यों गलत कर सकता है? उसको पैसा नहीं था, वो आपसे 500-1000 रुपया मांग लिया होता कि भैया हमको किराया भाड़ा देना रहता है, हम 500-1000 दीजिए तब आपका अच्छे जगह काम कराएंगे, नहीं तो हम काम नहीं करा पाएंगे। लेकिन इस तरीके से आदमी झूठ बोल के जो भी है फराडिया करके आपको, देखिए आपको आपके घर वाले अलग घर पे परेशान होंगे, आप लोग अलग परेशान है, भले ही चेहरा पर मुस्कान भी आ रहा है लेकिन अंदर क्या बीत रहा होगा वो आपको भी मालूम होगा। क्या उम्मीद लेके आप विदेश गए होंगे, क्या उम्मीद लेके आप विदेश गए होंगे कि जा रहे हैं घर पे कुछ कमा पैसा देंगे घर की हालत बेहतर हो जाएगी? सर जी हम लोग यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, 50 में से 10 लोग को भेज दिया, अभी सब लोग रूम में ऐसे बैठे हैं हमारी तरह सब है। हाँ ठीक है सर, सबको मैं दिखा रहा हूँ। आज सर जानते हो एक जन के पिता इंतकाल हो गए हैं, बताइए कहाँ से होगा? होगा देखिए तो फोन ही काट दिए। चलिए दोस्तों, इनकी जो भी होती है मदद मैं करने के लिए तैयार, लेकिन ध्यान दीजिए मेरे भाई, आपकी गलती है। अगर कोई भी विजिट वीजा भेजता है और आप जाते हैं तो उस ऑफिस की, उस एजेंट की नहीं गलती है, गलती आपकी है। आप विजिट वीजा पे गए क्यों, गए क्यों आप विजिट वीजा पे? आप जाके वहां काम करते हैं, आप अपराधी हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, वहां आपको जेल में डाल के सड़ा सकता है, आपको और फाइन मार सकता है। वो नहीं कहेगा कि कह देंगे रोग आ देंगे, हम गरीब हैं, वो है, माफ हो जाएगा, कोई माफी नहीं है, आपने गलती की आपको सजा मिलेगा। सबसे बड़ा है गलती यही है कि आपको विजिट वीजा में कोई आपका बड़ा भैया भी विजिट वीजा दे रहा है, अब बोल रहा है तुम 50,000-60,000 दे दो यहाँ पे आके तुम्हारा काम लगवा दूंगा। बोलिए नहीं भैया नहीं, आप 60 नहीं हमसे 5-10 हजार और एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन हमको इम्प्लॉयमेंट वीजा दीजिए, तब आप बच जाएंगे, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। वहां विजिट वीजा गए एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम्पल ले लीजिए, विजिट वीजा गए एक्सीडेंट हो गया, तबियत खराब हो गया, कौन इलाज कराएगा आपका, कौन इंतजार आपका विदेश में, दवा बिना एक बुखार के दवा के बिना जो है तड़प के मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं आएगा, समझ रहे ना, मर जाएंगे तो आपकी इलाज शायद सही सलामत नहीं आ पाएगी, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इम्प्लॉयमेंट पे जाइए, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, करना ना करना वो आपके पास है, आप करेंगे मेरी बात मानेंगे तो खुशहाल रहेंगे, नहीं मानेंगे तो आप भुगतेंगे मेरे भाई। एमडी मुस्तफा भाई हैं, बात करना चाहते हैं, मैं लगा रहा हूँ, देखिए आपसे लगी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा मेरे भाई। अब बताएंगे फ्री रिक्वायरमेंट मेरे पास है, कंपनी बोल रही है 9 महीना काम कराऊंगा, मैं चाहता तो विजिट वीजा फोर्स कर रहे थी, हमने बोला नहीं यार हम आदमी देंगे, भले ही तुम 9 महीना काम कराना ठीक है, तुमको फ्री कह रहे हो, तुमको 5-10 हजार दे देंगे सर, लेकिन इम्प्लॉयमेंट वीजा दो, हम इम्प्लॉयमेंट वीजा दो, कल को वहां जाता है किसी आदमी का तबियत खराब हो जाता है तो विजिट पे आया है, कंपनी कल को कहती हम जाओ नहीं इलाज कराएंगे तुम्हारा, कहां जाएगा? आप सवाल का जवाब दीजिए, कहां जाएगा, कहां जाएगा? तो बहुत सोच समझ के काम करना रहता है, और हम यही चाहते हैं हम महीने में अपने थ्रू 10 ही लोगों का जो है रोजगार लगाएं, लेकिन वो लोग जाके वहां पे खुश रहे, बस यही चाहिए हमको, हमको नहीं 1000 आदमी महीने का नहीं भेजना, 100 आदमी नहीं भेजने का है, कुछ नहीं, एकदम ठोक के ठेका घर की। इस कंपनी से इतने दिनों से बात चल रहा था, देखिए ये जो कंपनी है इतने दिनों से बात चल रहा था मेरे भाई, ये देखिए 9 महीने का शटडाउन वीजा है, 9 महीने वहां काम करना है, कंपनी व्यवहार आपका ठीक रहेगा 2 साल रुकेगा, ये हमको विजिट वीजा दे रहा था, हमने बोला नहीं तुम फ्री कह रहे हो हमसे 5-10 हजार ले लो तुम, लेकिन हमको 2 साल की इम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है 9 महीने बाद भेजना हो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है हमको, रखना होगा तो रख लेना तुम ठीक है, लेकिन हमको इम्प्लॉयमेंट दो। 1 महीना इस काम के लिए आदमी परेशान हुआ, कल जाके रात में 12 बजे फाइनल हुआ, ठीक है हम आपको इम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है जो भी कॉस्ट आएगा आप दीजिएगा, ठीक है हम इम्प्लॉयमेंट दे रहे, हमने राजी हो गए देने के लिए। विजिट पे कोई आदमी जाता है आप खुद बताइए मेरे भाई, उसका तबियत का ठीक है, कंपनी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हर एक चीज हो रहा है, तबियत ही खराब हो गया, कल को उसके साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गया, कौन उसका जिम्मेदारी लेगा? जो विजिट पे जब जाता है उसका कोई वहां पे माई बाप नहीं रहता, जो है वो खुद है, यही सच्चाई है। इम्प्लॉयमेंट में गया है तो उसका स्पॉन्सर कौन है, उसका मालिक कौन है, किस कंपनी में आया, तो वहां पे एक गार्जियन रहता है, एक जिम्मेदार आदमी रहता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। हाँ मेरा ऑफिस ऑफिस परफेक्ट ग्रुप है, हम मैसेंजर पे हाई लिख के भेजेंगे आपको, मेरा पता मालूम चल जाएगा, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों पता मालूम चल जाएगा, वो पता देके सीधा सीधा
हमारे ऑफिस पे आप आ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस पे जो है यूट्यूब पे आप सर्च मारेंगे परफेक्ट गुरु ऑफिस एड्रेस, तभी भी आ जाएगा, मेरा ऑफिस देख के आ जाते हैं, उससे तो मैं अपने ऑफिस का एड्रेस फेसबुक पे डाल दे रहा हूँ दोस्तों। तो बात करके आप लोगों से बहुत ही अच्छा लगा, और बस आप लोग की दुआएं चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, सलाम नमस्कार। जाने का तो मन नहीं करता, दिल करता बस आपसे बात ही करें, इन और भी काम है, ठीक है, देख लेता हूँ थोड़ा उनका भी। हाँ बहुत बहुत